इंस्पेक्टर गैजेट चुराए गए चित्रों की मामले की जांच करता है, यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन किसी को तो करना होगा। और आजकल इंस्पेक्टर की नज़र खाने से जुड़ी कला की ओर है। हाल में वह 3 संदिग्धों पर नजर रख रहा है, कीरा, एशली और रेचल। उस इंस्पेक्टर का आदमी जो एक कलाकार है, उसे लोग स्टीव के नाम से जानते हैं, वह उसके गुप्त व्यवसाय में उसकी मदद करता है। आप में से प्रत्येक को एक हाइलाइटर मिलेगा, इसे अपने दांतों के साथ पकड़े और ड्राइंग करें। जल्द ही हम देखेंगे कि असली प्रतिभा किसके पास है। जो कोई भी अपने ड्राइंग से उसे प्रभावित करने में सफल नहीं रहेगा, उसे ब्रॉक लिखाना होगा। उससे भी बुरा कुछ हो सकता था ना। तुम्हारे पास 60 सेकंड है, शुरू करो। तो पहला दौर उतना मुश्किल नहीं लग रहा, पर निश्चित रूप से लड़कियों को थोड़ा आश्चर्य हो रहा है, लेकिन अभी वे ब्रोकली से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और तीनों बिना पसीना बहाए अपना काम करने में सफल रहे। उन सबको अच्छा काम कर खुशी हो रही होगी। क्या आपको लगता है कि उन्हें कुछ हटकर काम करने में मजा आया? अब समय है उनके कलात्मक प्रयास को जज करने का। इंस्पेक्टर गैजेट और स्टीव अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हैं और अब परिणाम सामने आने वाला है। Hello? Yes. लड़कियों, हमने परिणाम निकाल लिया है। ब्रोकली की सबसे खराब तस्वीर रेचल ने बनाई है। तालियों की गड़गड़ाहट आनी चाहिए। रेचल कोई कायर नहीं है और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सजा पूरी करती है। ऐसा लग रहा है कि वो वास्तव में इसे पसंद करती है। अरे रेचल, तुम निश्चित हो कि तुम्हें यह पूरी चीज खानी होगी, या तुम्हें ऐसा करने का मन है? और अब हम अगले कार्य की ओर बढ़ते हैं। लड़कियों, यह पहले वाले की तुलना में थोड़ा कठिन है। अब इस बार आपको तस्वीर अपने हाथों से नहीं बल्कि अपनी कोहनियों में पेंट ब्रश को पकड़ कर करनी होगी। दिलचस्प है ना? स्टीव को तो ऐसा ही लगता है। आपका विषय है एक साधारण स्नीकर्स बार। तो फिर तैयार, शुरू करें। ईमानदारी से कहूं तो इन तीनों का संघर्ष जो इन छोटी बाधाओं को दूर करते हुए कोई उत्कृष्ट कृति बनकर आती है, वह पुरानी तरीके से 10 गुना ज्यादा मनोरंजक है। हाँ, बाद में थकावट महसूस हो सकती है, पर यह मजेदार है। समय पूरा हुआ, अब वह सब दिखाओ जो तुम सबने बनाया है। दिलचस्प। बॉस के पास अंतिम निर्णय के लिए जाता हूँ। दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। बुरा नहीं है, ठीक है। ओ, यह तो सबसे अच्छा है। तुम एशले स्नीकर को खाएगी। थोड़े से तीखे सॉस ऊपर डालकर इसे तुम सीखोगी कि काम अच्छे से करना चाहिए। और हमारी आंखों के सामने कुछ अविश्वसनीय होता है। हमारी बहादुर छोटी सिपाही इस तीखी मसालेदार कैंडी को काटती है। अरे, भले ही वह ड्राइंग नहीं कर सकती, कम से कम वह तो यह कर सकती है कि खा सकती है स्नीकर्स को। क्या तुम ठीक हो एशले? क्या तुम कर पाओगी? शांत रहो, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पैरों की उंगलियों का उपयोग करके आप लोगों को मेरे लिए कुछ बनाना है, और वह होगा, तैयार हो जाओ, यह मछली। oh, no! और घड़ी की सुई चलने लगी। इससे छुटकारा नहीं पा सकती हो लड़कियों, शुरू हो जाओ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अब उस बड़ी मछली को खाने के लिए तैयार होगा। सच सच कहूँ, पैर की उंगलियों से पेंटिंग करना एक बहुत ही नया और हानि रहित है। कम से कम कोई आपको गर्म अंगारों पर पैर रखने या कांच के टुकड़ों पर चलने के लिए नहीं कह रहा है। आप तीनों को यह बहुत ही आसान काम दिया गया है। आभारी रहें कि आपको इस विशेष काम को करने के लिए थोड़ी ही मेहनत करनी पड़ रही है। अब रुक जाओ, अब इन्हें सौंप दो और हमारे फैसले का इंतजार करो। कौन इसे मुंह में भर कर खाएगा, हम देखेंगे। तुम क्या कहते हो मेरे छोटे दोस्त? ओ, और तुम मेरे दूसरे दोस्त। अब यह वाला, अपने आप को परिणाम के लिए तैयार कर लो लड़कियों। बहुत घबराहट हो रही है। इस बार रेचल ने सबसे कम आकर्षक तस्वीर बनाई है। इसका मतलब है कि अब उसे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, महाशय मछली जी को खाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं यह देख पाऊंगी।
तुम्हारे दोस्तों को तुमसे सहानुभूति है रेचल, पर वह किसी भी हाल में तुम्हारे साथ अदला बंदी नहीं करेंगे। अब देर करने का कोई मतलब नहीं है, चलो जल्दी से अपना काम पूरा कर लो। जो रेचल कर रही है वो कोई आसान काम नहीं है, चलो रेच करो। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो अगले दौर के लिए सब कुछ तैयार है। फिंगर पेंटिंग। इस हॉट डॉग को बनाएं जिस पर खूब सारा मस्टर्ड सॉस डले हुए हों। क्या आप उसे खाना नहीं चाहते हैं? एक दो तीन, उल्टी गिनती शुरू होती है या नहीं? मुझे लगता है कि बैटरी खत्म हो चुकी है। जो भी हो शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, चुनौती कहाँ पर है। अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके हॉट डॉग बनाना तो बहुत ही आसान है। धक्का देने की जरूरत नहीं है लड़कियों, हर किसी के लिए बहुत सारे रंग है यहाँ। लगता है कि गंदी लड़ाई शुरू हो चुकी है। समय समाप्त हुआ। बॉस अभी तुरंत के दिए काम के परिणाम मिल गए हैं, जिसका विषय हमारा पसंदीदा भोजन भी था। आपको इस तरह से जगाने के लिए क्षमा करें। Yes. इसे क्या कह सकते हैं? इसको दे दो खाने के लिए। और केरा इस बार हार गई है, या शायद जीत गई है। किसे पता, शायद वो मस्टर्ड की विशेषज्ञ हो और उसे पसंद आए। शर्त लगा लो नहीं पसंद आएंगे, शायद उसकी दोस्त मदद करे। छी, कितना गंदा लग रहा है। बिचारी लड़की, क्या आप खुश नहीं हो रहे कि आप उसकी जगह पर नहीं है उस चुनौती में? हालांकि देखने में मजा आ रहा है, और उसने हिम्मत करके एक बार काट लिया। बहादुर लड़की। और ऐसा लग रहा है कि केरा अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। स्पष्ट रूप से काफी तीखी सरसों थी, कोई उसे थोड़ी दूध दे दो पीने को। इन कार्यों के द्वारा निश्चित रूप से हमारी लड़कियों को सराहना मिलती है, और एक अच्छी पुदीनी जैसी ताजा सांस लेने का अवसर भी। यह पूरी तरह से खराब सांस का दूसरा स्तर है। लेकिन वापस अपने काम पर आते हैं। अजीब बात है, क्या मैं कुछ भूल रही हूँ? क्या स्टीव बस उन्हें एक सेब की तस्वीर बनाने को कह रहा है, केवल सामान्य पुराने तरीके से? इसमें क्या ट्रिक है? पर इसमें कुछ तो ट्रिक जरूर है ना? शायद नहीं। खैर, अब इस स्थिति में अपनी रचनात्मकता को निखरने में लड़कियां आप अपनी प्रतिभा के बल पर जीत सकती हैं, और जिसका सबसे खराब होगा उसे यह हरा रंग का व्यंजन खाना पड़ेगा। इस चुनौती में तीनों लड़कियों की प्रतिभा निखर कर सामने आ रही है। बहुत अच्छा लड़कियों, और समय समाप्त हुआ। सभी अपने चित्र को दे, जैसा है उसे मुझे सौंप दे। इसमें कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए। यह मेरा कुर्सी है, हटो यहाँ से। ठीक है, बहुत गंदा नहीं है। और अब हमारे पास एक विजेता है, या हारा हुआ है। बधाई हो केरा। अब तुम इसे खाओ। नहीं, अब यहाँ पर आखिरकार एक कैच था। वह क्या कर रहा है? क्या वह बसावी है? आज केरा के लिए कोई आराम नहीं है। उसका मुंह अभी अभी ठंडा हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से उसे आग की लपटों का सामना करना पड़ रहा है। लड़कियों, तुम यह कर सकती हो। यहाँ तुम्हारे लिए एक प्याज है, और जबकि मैं इतना दयालु हूँ, एक टुकड़ा प्रत्येक के लिए। घड़ी की सुई ने दौड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पानी के फव्वारे चालू हो जाते हैं, इसलिए मैं इसे लिविंग आर्ट कहता हूँ। प्याज से आंसू, और जो उसे खाएगा उसकी भी आंखों से आंसू की संभावना। एश्ली अपना अलग ही अनोखा तरीका अपना रही है। स्टीव इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ है। यह पूरा तुम्हारा है एश्ली। ओह, इसे सहन कर पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि मैंने सुना है कि कच्चा प्याज आपके लिए बहुत अच्छा होता है। एश्ली ने मुझे प्रभावित कर दिया। हालांकि तुम ध्यान रखना कि तुम किधर सांस ले रही हो। ओह, यह दुर्गंध तो पौधों को भी मुरझा दे सकती है। अब सातवां दौर। मेरी प्यारी छोटी कलाकारों, मैं तुम सबको एक विशेष अनुभव प्रदान करता हूँ। एक दूसरे के हाथों को पकड़ कर ड्रॉइंग बनाए, ऐसे नहीं ऐसे। और इसे वास्तव में अनोखा बनाने के लिए मैं इसे मिल्का कोला कहना पसंद करूंगा। देखो मैंने क्या किया। शुरू हो जाओ। तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रही हो? तुम्हारे रंग और ब्रश इंतजार कर रहे हैं। इसे सफल बनाने के लिए लड़कियों को एक दूसरे की मदद करने के लिए सहमत होने की जरूरत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर कोई उस योजना में साथ देगा। समय हो गया, मुझे देखने दो। निर्णय आपको
आपका होगा बॉस, पर उनमें से कोई भी विशेष रूप से अच्छा नहीं है। मिल गया। तुम फिर से केरा। उफ, लग रहा है कि एक ऐसा दिन होगा जिसे केरा हमेशा याद रखेगी, चाहे वह कितना भी प्रयास कर ले। स्टीव कहता है कि वह एक कलाकार है, पर वह बहुत ही तेज और आसान तरीके से टॉर्चर करने वाले के रूप में बदल जाता है। शायद उसे एक नया काम मिल गया है। अगर हम ईमानदारी से कहें तो वह कोई अच्छा कलाकार नहीं है। क्या आपको कोई दया नहीं आती है स्टीव? यह स्पष्ट रूप से जाहिर है कि अब क्या होने वाला है, बेचारी केरा। और अब यहाँ मिल्का कोला का झरना आता है। कम से कम तुम यह कह सकती हो कि तुम एकमात्र ऐसी व्यक्ति होगी जिसे कभी यह अनुभव प्राप्त हुआ हो। केरा, बधाई हो। हमारी सलाह है कि अगर आप अपने को कभी इस तरह के चुनौती में पाते हैं तो अच्छे से ड्राइंग बनाना सीख ले, काम आएंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों। अरे ये तो मैड हैटर है। ओ, और वो एक चॉकलेट फाउंटेन लेकर आया है। अगर वह काम करता है तब क्लोई और मॉली को उसे इसी वक्त चालू कर देना चाहिए। स्ट्रॉबेरीज, यह तो इसके साथ एकदम सही चीज होगी। और लड़कियां तो बहुत उत्साहित हैं अपने बेरी के पहाड़ के साथ। वाह, क्लोई का फल तो एक चॉकलेट के टुकड़े में बदल गया। आज तो यहाँ जादू की भरमार है। हमारी जोड़ी तो बहुत खुश है और उन्होंने सीधा खाना शुरू कर दिया, या शायद मुझे कहना चाहिए कि अपने मुंह में ठूसना शुरू कर दिया। क्या वह ब्रोकली के साथ भी ऐसा ही करेंगे? उनकी उत्साह तो कम नहीं हुई है, लेकिन शायद जल्द ही हो जाए। तो कैसा है? लगता है कि क्लोई को यह कॉम्बो पसंद नहीं आया, लेकिन मॉली जानती है कि जादू से किसी भी स्थिति को बदली जा सकती है। ब्रोकली के आकार की तरह चॉकलेट यह तो बहुत बेहतर है, बहुत ही अच्छा स्वाद। और अब वो हरा कुरकुरा चीज नहीं होगा उसे बर्बाद करने के लिए। क्लोई हार मान गई है, जो हम समझ सकते हैं। उसका व्यंजन तो सच में खाया नहीं जा सकता है। छी। आगे बढ़ते हुए पिज्जा प्रकट हो गया। वो टुकड़े तो बहुत बड़े हैं। वो तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी को अपने टुकड़े को चॉकलेट में डुबोना होगा, जो अच्छा नहीं है। लेकिन अगर सच सच कहूँ तो बहुत ही बदतर। बस मॉली से पूछकर देख लो। क्लोई इस बार भागशाली निकली और उसे मिला है पिज्जा का फज वर्जन, जिसके ऊपर है चॉकलेट पेपरोनी। क्या आपने पहले कभी ऐसी कोई चीज देखी है? हम क्लोई को अपने टुकड़े को इस तरह खाने के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। अगर हम होते तो हम भी ऐसा ही करते। हालांकि शायद हम थोड़ा समय ले लेते। तो ये क्या है? देखो मैं क्या कर सकती हूँ। मॉली, मेरा हाथ अब एक मीठा ट्रीट है। मुझे लगता है मैं एक दो उंगलियाँ खा लेती हूँ। कुछ बुरा तो नहीं होगा ना? सब कहाँ चला गया? अरे मैंने खत्म नहीं किया था। मैड हैटर, यह क्यों किया? चुनौती जारी है। अरे लड़कियाँ इसके लिए तैयार नहीं हैं। डायनामाइट! रुको, नहीं, यह तो बस चॉकलेट है और बहुत स्वादिष्ट भी है। लेकिन रुको, अगर वो नकली वाला था तो क्लोई के प्लेट में क्या था? ओह, चीजें तो बहुत गंभीर हो गई हैं। इन दोनों को तो तुरंत किसी सुपर हीरो की मदद की जरूरत है। वाह, सुपर गर्ल, क्या यह तुम हो? उसे तो डर नहीं लगता है, वह यह समस्या को संभाल लेगी। ठीक है, तुम दोनों, मैं दिन को बचा लूंगी। सबसे पहले तो हमें बेशक पूरी जगह को टेप से बंद करना होगा सुरक्षा के लिए। और अब बम की बारी, मैं इसका ध्यान रख लूंगी। काम नहीं कर रहा है, क्यों ना? अरे नहीं, तुम्हें पता है क्या, मुझे सच में जाना होगा। मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है मदद के लिए। हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि अब हमें कुछ करना होगा।
हमें इस काम के लिए सही उपकरण चाहिए होंगे, एक टेडी बियर। नहीं, तुम सही कह रही हो, एक फेदर डस्टर या तो मददगार होगा ना। नहीं, ओ, मुझे पता है, लेकिन मैं कौन सा तार काटूं? चलो कुछ कोशिश करती हूँ। मॉली, यह तो बहुत आश्चर्यजनक था, कितना अद्भुत, एक वास्तविक चॉकलेट विस्फोट। शांति और शांति, यह सब क्या है, कितना बुरा। काश दुनिया के सारे विस्फोट ऐसे ही मीठे होते। तो चलिए, क्या हम देखें? ओ, क्लोई का हिस्सा तो अच्छा है। लेकिन मॉली का व्यंजन तो बहुत बढ़िया है। सच कहूँ तो काफी कठिन है यह फैसला लेना कि किसका बेहतर है, लेकिन स्पष्ट रूप से क्लोई को तो मॉली से थोड़ी जलन हो रही है। ओ, चुराने के लिए तो उसके लायक ही थी। क्लोई ने पूरी गंदगी फैला ली है, इसके लिए वो अपने अलावा किसी को दोष नहीं दे सकती। लेकिन लगता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हो गया सो हो गया। मॉली को लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, एक दोस्त से चॉकलेट छीनना अच्छा नहीं होता है, बहुत बुरा बर्ताव। कोको का एक नया गिलास और फिर दोबारा, सब ठीक है। क्या यह कोई मजाक है? लगता है मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। अब मॉली वह ले रही है जो उसका था। अच्छा है, बहुत सारा था। हाँ तो ढक्कन खोलो और देखो, अगला दौर आ गया है। वाह, यह तो बहुत सुंदर है, वैसे जूते जिनका ख्वाब लड़कियाँ देखती हैं। चलो उन हील्स को पहन कर देखो। क्लोई का तो पूरा रूप एक पल में बदल गया। मॉली, क्या तुम भी ऐसा कर सकती हो? ओ, शायद नहीं, लगता है कि यहाँ समस्या वह जूते ही है। हाँ, उन्हें तो खा सकते हैं। खैर, उसके पास हिल्स तो नहीं है, पर उसे कम से कम एक स्नैक तो मिल गया। तो इधर क्या मिला है? नया फोन? मॉली को तो नया वाला मिला है। खैर, जो है सो है, कम से कम क्लोई कुछ सेल्फी तो ले सकती है। अरे, स्क्रीन को क्या हुआ यार? ओ, यह तो चॉकलेट का बना है। लेकिन ज्यादा आश्चर्य देखकर हो रहा है कि मॉली का नया गैजेट क्या क्या कर सकता है। मेरी बात मानिए कि वह फीचर तो जितने ऐप आपने देखे होंगे उससे हजार गुना बेहतर होंगे। क्लोई को लगता है कि मॉली कुछ ज्यादा ही कर रही है, और हाँ, शायद उसे थोड़ा रुक जाना चाहिए। तो फोन गया बाहर उड़ते हुए। अफसोस करने से बेहतर है सुरक्षित रहना। मैड हैटर तो पूरे दिन से एक कप कोको का आनंद लेने की कोशिश कर रहा है, कौन जानता था कि उसकी एक मन्नत पूरी करना कितना कठिन होगा। हालांकि एक नया आईफोन सबसे बुरी चीज नहीं है जो उसके ग्लास में गिर सकती थी, खास करके जब वह जादुई हो। चॉकलेट के साथ चॉकलेट, यह तो एक परियों की कहानी की तरह है। लड़कियां भी बहुत खुश है और उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट है। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा? ओह, खेलने के लिए कौन तैयार है? आशा है कि ये दोनों हैं। अगर ये थोड़ा वार्म अप कर ले तो शायद कोर्ट में जाकर खेल ले। लेकिन संदेह है कि मॉली उस रैकेट से कुछ मार पाएगी कि नहीं। लेकिन यह खाने के लिए एकदम सही है, क्योंकि वह चॉकलेट का बना हुआ है।
वो बॉल तो सही नहीं लग रहा है। ओह, और देखो यह टूटकर मॉली के प्लेट में आ गया है। क्लोई खुशी खुशी इस दौर में सर्व करने के लिए तैयार है। उसका हाथ तो इसके लिए ही बना है, तो तैयार हो जाओ दोस्तों। चाहे जो हो जाए, एक दिन में हॉट चॉकलेट से सब कुछ बेहतर हो जाता है। अरे नहीं, फिर से नहीं। कॉस्मेटिक्स, ये जितना भी हो काफी नहीं होता, और क्लोई और मॉली इस बात से सहमत है। मॉली को तो परफ्यूम इकट्ठा करना बहुत पसंद है, उसमें वो माहिर है। क्लोई सामग्री को ध्यान से देख रही है, सब कुछ कितना नया, चमकीला और सुंदर है, पर उसी समय थोड़ा अजीब भी है। वो एकदम चॉकलेटी रंग और सुगंध वाला है, स्वादिष्ट। वो इस मीठे स्वाद का पूरा दिन आनंद ले सकती है। मॉली क्लोई का मेकअप करना चाहती है, क्योंकि उसे जो परोसा गया था वह चॉकलेट का बना हुआ था। कुछ रंगीन अच्छा होगा। यह निश्चित नहीं है कि वह स्टाइल और रंग क्लोई के लिए अच्छा है। मॉली वादा करती है कि यह उसकी गलती नहीं थी, इसके लिए पैलेट को दोष देना चाहिए, और लगता है कि उसे बस वह चीज खानी होगी। चॉकलेट शैडो तो इसके अलावा और किसी चीज के लिए नहीं बने थे। और एक के बाद एक हर एक चीज को वो दोनों खुशी खुशी खा गए। यह शायद लड़कियों की पूरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन हो। रेचल लगभग पहुंच ही नहीं पाई, लेकिन दरवाजा खुल गया और अब सब ठीक है, शुक्र है। लेकिन उससे पहले जो कोई भी अंदर था वह बहुत ही बुरे स्वभाव का था। उसके इस्तेमाल करने के लिए कोई टॉयलेट पेपर ही नहीं बचा है। हेली चलते चलते रसोई में पहुंच गई है कुछ खाने के खोज में, लेकिन लगता है कि सब खत्म हो गया है। दुकान जाने का समय आ गया है। और फिर है जेसिका, जिसे बाहर एक दौड़ लगानी है। तीनों को बाहर जाने के लिए एक मास्क की जरूरत है, लेकिन सिर्फ एक ही है, यह किसे मिलेगा? तीनों ने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया और सब कह रहे हैं कि मास्क उनका ही होना चाहिए। रुक जाओ, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, एक चुनौती से सब ठीक हो जाएगा। लड़कियां और प्रतीक्षा नहीं कर पाएंगी। कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है कि इन चुनौतियों में क्या हो सकता है, तो इस बार क्या होगा? इसकी उम्मीद तो नहीं थी। प्रतियोगिता यह है कि जो सबसे अच्छा चित्र बनाएगा उसे मास्क मिलेगा। यह होगी एक कला की लड़ाई, सारे लड़ाइयों को समाप्त करने के लिए। जल्दी करो लड़कियों, ज्यादा समय नहीं है। अब तक तो स्पष्ट नहीं है कि जीत किसकी होगी, लेकिन पलक झपकते ही चीजों को बहुत दिलचस्प बना दिया गया है। लेकिन किसने कहा था कि यह आसान होगा? अच्छा चित्र बनाना 10 गुना और कठिन हो जाता है जब साथ ही साथ आपको खुद को उड़ते हुए चीजों से सुरक्षित रखना हो। तो आज उसकी ही जीत होगी जो अपने ड्राइंग और चपलता का कौशल दिखाएगा। समय समाप्त हुआ। हेली और रेचल निश्चित हैं कि आज उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, हालांकि जेस विजेता है। बधाई हो यार, तुम ही उस मास्क के असली हकदार हो, उसे गर्व से पहनो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी दो को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर एक मार्क से बेहतर क्या हो सकता है? तीनों यह पता लगाने के लिए बहुत उत्साहित है, यह निश्चित है। और देखो हाथों का सैनिटाइजर, यह जितना भी हो कम ही पड़ता है। घड़ी की सुई चल रही है। लड़कियां पूरी तरह से इस चुनौती में घुस गई हैं और पूरी मेहनत से काम कर रही हैं। लेकिन अचानक से बीच में एक बाधा आ जाता है। क्या यहाँ कोई तूफान आ गया है? लड़कियों खुद अपनी कुर्सियों को कस के पकड़े रहना। जेस तो एकदम ही उड़ गई है, लेकिन वह इसका सामना करके वापस अपनी जगह पहुंच गई है। कितनी दृढ़ निश्चयी है। अफसोस है कि उसे देर हो गई, विजेता घोषित करने का समय आ गया है। माफ करना जेस, माफ करना रेचल। अरे वाह, वो तो बहुत ही सुंदर चित्र बनाया है तुमने हेली। बोतल उठाओ और अपने हाथों को साफ कर लो, अपनी सुरक्षा करने के लिए।
सभी हेली के लिए बहुत खुश है ना? या ऐसा नहीं है? अरे शायद तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, यहाँ एक चुनौती चल रही है। इस दौड़ में लड़कियाँ सुरक्षा चश्मा के लिए लड़ेंगे। हम सब उसका इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। चीजों को और दिलचस्प बनाने के लिए उन्हें उन चश्मों को अपने आँखों पर एक पट्टी बांधकर बनाना होगा। आपने सही सुना, सिर्फ छूकर पता लगाना होगा। समय शुरू हो गया है, बनाओ। हमारी लड़कियों को तो कागज और कलम ढूंढने में ही दिक्कत हो रही है। क्या ऊपर है और क्या नीचे है उसके बारे में तो भूल ही जाओ। जल्दी कुछ तो बनाओ। रेचल ठीक ही कर रही है, लेकिन जेस को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लगता है कि वह कुछ कर ही नहीं पाएगी, लेकिन जब कुछ काम नहीं करे तो नियमों को तोड़ने से शायद कुछ हो सकता है। ओ, उसे रंगे हाथों पकड़ा गया है। जेस इस दौड़ से बाहर है। इससे साफ साफ पता चलता है कि चीटिंग से कोई कहीं नहीं पहुंचता है। बहाने बनाने के बारे में सोचना भी मत जेस। चलो देखते हैं कि बाकी दोनों ने क्या बनाया है। जेस चुपचाप बैठो और अच्छा व्यवहार करना सीखे। स्पष्ट रूप से रेचल जीत गई है। पहन कर देखो। वह तो उसमें मस्त लग रही है। ये चीज तो हर कोई चाहता है, दास्ताने। इसके बिना तो कहीं भी नहीं जा सकते हैं। लड़कियां बहुत ध्यान से काम कर रही हैं। हर कोई यह पुरस्कार पाना चाहता है। एकदम असली वाले जैसा बनाने की कोशिश करो तुम तीनों। यह सोचो कि तुम दुनिया के सबसे माहिर कलाकार हो। प्रतियोगिता तो कठिन है, लेकिन तब भी यह सुनिश्चित है कि कुछ लोग दूसरे से थोड़े बेहतर हैं। एक और बाधा को लाया गया है, प्याज। इतना भयानक। इससे किसी को भी ठीक से नहीं दिखेगा और आंखों में आंसू भर जाएंगे। लेकिन रेचल सुरक्षित है। अच्छा है कि उसके पास वो चश्मे हैं। बाकी दो को देखकर लग रहा है कि उन्हें जबरदस्ती एक बहुत ही दुखद प्रेम कहानी दिखाई जा रही हो। वो चित्र कैसे बना पा रही है? वाह, ठीक है, पेन नीचे करो। यह राउंड अब खत्म हो गया है, तो अब अपना काम दिखाओ। वाह, हेली ने अपने आंसुओं का सामना कर एक और जीत हासिल की। बहुत बढ़िया दोस्त, अपनी आंखों को पोछो और उन दास्ताने को खुशी खुशी स्वीकार करो। जेस और रेचल का मन चाहे जितना भी उदास हो, उससे कुछ भी नहीं बदलेगा। हेली, चलो हमें अपना अगला कार्य दिखाओ। यह क्या है? अभी के लिए किसी को भी नहीं पता कि वो क्या है। बिल्कुल भी नहीं पता। अभी तो एक बहुत ही बड़ा सा कपड़े का टुकड़ा लग रहा है। शायद खोल कर देखो, हम पता लगा लेंगे। यह कुछ अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण ही होगा। ओह, यह एक प्रोटेक्टिव सूट है। वाह, आजकल यह आसानी से किसी के भी हाथ नहीं आती है। ठीक है, याद है ना कि कैसा दिखता है? तो शुरू हो जाओ। दो हाथ, दो पैर, एक हुड। ओह, जिप के बारे में मत भूलना। अगर आपको लगा था कि एक आसान दौर होगा तो आप गलत हैं। अब अंदर आएंगे डरावने कीड़े और सांप और मेढक। यह सब तो बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। तो क्या अब हम सबसे अच्छे चित्र को चुने? हर किसी ने अच्छी खासी मेहनत की है। ठीक है, तो हेली नहीं, शायद रेचल या जेस। नहीं, रेचल है विजेता और उसका पुरस्कार है एकदम सफेद। अब तो उसे निश्चित रूप से सुरक्षित महसूस हो रहा होगा। हर कोई एक दूसरे को हाई फाइव दे रहा है। बहुत बढ़िया दौड़ था लड़कियों। उस ढक्कन के नीचे क्या छिपा है? आजकल हम और किस चीज के बिना नहीं रह सकते। तीन की गिनती पर खोलो, वो क्या है? बेहतर होगा कि उसे कोई ना छुए। यह उसकी तरह नहीं, किसी हाल में नहीं है ना। इस चुनौती के हिसाब से तो तीनों को यह ड्रॉ करना होगा। तो तैयार हो जाओ। हमारी लड़कियां अपने डर का पीछा छोड़कर काम पर लग गई हैं। मेरा तो कहना है कि इस प्रतियोगिता के दौरान इनके चित्र तो बेहतर और बेहतर ही होते जा रहे हैं। यह बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन रहे हैं।
देखते हैं कि दुनिया के सबसे अच्छा पेंटर किसे घोषित किया जाएगा, और वह है हेली। बधाई हो। शायद हेली के हाथ कांप रहे हैं जैसे वह हाथ को आगे बढ़ा रही है उसे पकड़ने के लिए, और जेस और रेचल को घबराहट हो रही है। हेली बहुत ही बहादुर है, लेकिन शायद उसे थोड़ी शर्मिंदगी भी हो रही है उस चीज से पहले डरने के लिए, यह बस एक खिलौना है। सब लोग एक अच्छी गहरी सांस ले लो। शानदार चुनौती थी और हर किसी को अपनी मेहनत का फल मिल गया।